पर्दे के ऊपर भी मुकाबला हो रहा है कि सुल्तान ज्यादा बड़ी फिल्म थी या दंगल ज्यादा बड़ी फिल्म थी, तो आप एक चूज कीजिए, आपके हिसाब से दंगल जीतेगी। रिकॉर्डेड बाय राशिद मलिक, मेरे बड़ा मुश्किल एंटरटेनमेंट चैनल। और दोनों टीमें ने बड़ी स्ट्रेटेजी से टीम की है, और इसने सबसे ज्यादा मायने रखेगा ना वो टॉस रखेगा। ओके, तो उसको एडवांटेज रहेगी। तो दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हो रहा है असली दंगल, रेसलिंग प्रो रेसलिंग लीग। कौन सी टीम जीतेगी? लेकिन इस बार ये जो नई टीम का मिश्रण आया है, टीम में रह करके कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजाइज करते हैं कि कौन सबसे ज्यादा, अगर कोई सपोजिंग बड़ा प्लेयर आ गया तो उसके बाद क्या प्लानिंग चलती है, जैसे कि कोई यू नो रिप्लेसमेंट आ जाए, ऐसी प्लानिंग चलती है? अगर टीम का बड़ा प्लेयर आ जाता है तो पूरी टीम के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा पड़ जाता है, और सभी का ध्यान रहता है कि जिसको हम वीक मानते हैं टीम में, तो फिर कोशिश करते हैं कि उसको हम जिताएं। वीक मानते तो ज्यादा खाना वाला नहीं लाते, उसको ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाते। अगर अनु जी आपसे पूछे, अगर टीम में कोई हल्का सा वीक हो जाए तो उसको ज्यादा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्या? प्रैक्टिस तो रेसलिंग में करनी पड़ती है, वीक हो या तगड़ा हो, तगड़ा रहने के लिए भी करनी पड़ती है, वीक है तो उसको करना ही, उसको तो करनी ही पड़ेगी। अनुज इज ऑलवेज वेरी कंसिस्टेंट विद हिज आंसर्स। मानिक जी, चलो आज के बड़े मैच में हू इज द बिग प्लेयर जो आपके हिसाब से लोगों को देखना चाहिए हरियाणा और मुंबई के बीच में, आज आपके हिसाब से बड़ा मैच कौन सा होगा? भारत के दो पहलवान आमने सामने होंगे 57 केजी में, एक तरफ राहुल हवारे हैं और दूसरी तरफ हम बात करें संदीप तोमर। दोनों ही बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और दोनों के अपने 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 कोर्ट और बैट हैं। संदीप तोमर रियो ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया, एशियन चैंपियनशिप 2015 के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। राहुल हवारे भी कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो ये मैच भारतीय दर्शकों बहुत उसको इम्पोर्टेंस है भारतीय दर्शकों के लिए। और एरिका वीप जो है गोल्ड मेडलिस्ट, बहुत बड़ी बात होगी, रियो में गोल्ड जीत के आई है, किरण उनके सामने है, तो किरण के पास एक मौका है दिखाने के लिए दुनिया को, अगर आज उनको पछाड़ दिया तो बहुत बड़ी बात। बड़ा खिलाड़ी जो है बड़े स्टेज, संदीप तोमर की और राहुल हवारे की। अनुज, अगर आपसे पूछूं एक बड़ा मैच जो आप बहुत, सभी को नमस्कार। आज रेसलिंग प्रीमियर लीग का सेकेंड सेशन शुरू हो रहा है, जैसे कि आपको ये सब दिखाया जा रहा है अभी, यहाँ पे सारे ही ओलंपियन रेसलर जितने हैं 2016 के तकरीबन 20 ओलंपियन रेसलर जो कि यहाँ पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, और हमारे इंडिया के जो फीमेल स्टार जैसे कि साक्षी मलिक जो कि 2016 की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुकी हैं, और गीता फोगाट जिनके ऊपर आज के डेट में बहुत अच्छी एक मूवी चल रही है दंगल, वो भी है यहाँ पे। बहुत अच्छे अच्छे रेसलर जिनकी कुश्तियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी, तो आप बने रहिए और देखते रहिए। थैंक यू सर। सबसे पहला मुकाबला होने जा रहा है, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
मुंबई महारथी एंड हरियाणा हैमर्स जो है ना स्टार्ट ये क्या था पहलवान को लड़ने के लिए वो करेगा अच्छा रोक कोचोंगे दोनों इधर के दो इधर के
एक कमेंट्री चुप क्यों हो गया? सचरावी का हाल कुछ इस प्रकार है, हरियाणा हैमर्स के रजनीश का स्कोर है 2 और दूसरी ओर विकास का भी स्कोर 2 है। मुकाबला बराबर का, देखना ये है कि जीत किसकी होती है।
छोटी पतली है पर मंगा है ये बोला छोटी छोटी बातों पे दिल पे लग जाती चोट है पर टेंशन डोने लगते क्योंकि अध्याय का एक और स्टार्ट मैच अब शुरू होने जा रहा है। देवे सचरों अब आ रही है कैनेडा मूल की 75 किलोग्राम वर्ग में अपना लोहा मनवाने के लिए टीम कैप्टन मुंबई महावती की एरिका इंडिया इंडिया
इंडियन गर्ल जितनी चाहिए। पहले हमारा दोस्त है क्यों? हमारा पड़ोसी हरियाणा है। पड़ोसी इंडियन है हमारे, ये हमारे इंडियन है। अब देखना यार। अरे आमिर खान और सलमान खान को लाओ यहाँ, एक दंगल है एक सुल्तान। तो पूरी फिल्म बना ली है, मुझे दिखा दी मैं कैसा। यूट्यूब पे देख लियो और सारे ऐड भी देखने पड़ेंगे मेरे, स्किप ना मारियो। ओनली एंटरटेनमेंट चैनल है मेरा। मुंबई सचिन अभी का स्कोर कुछ इस प्रकार है। इस पहले राउंड में हरियाणा हैमर्स ने अभी अपना खाता खोलना है और दूसरी ओर मुंबई महारथियों ने 6 अंक ग्रहण कर लिए हैं। इनके नहीं हाथों की मालिश करते, इनके हाथों की मालिश भी नहीं करनी।